हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की एग्जामिनेशन सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, ये सीरीज सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस देखे, उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कॉमन अकाउंट से चार्ज किया था, डैट मींस जनरल पीएनएल अकाउंट से। लेकिन इस एग्जामिनेशन क्वेश्चन में हम मैनेजरियल कमीशन प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमें कौन से डिपार्टमेंट से चार्ज करेंगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन इज, वैभव एंड कंपनी हैज फोर डिपार्टमेंट्स ए बी सी एंड डी। सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही डिपार्टमेंटल मैनेजर मैनेज कर रहा है, हुज कमीशन वॉज 10% ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल प्रॉफिट बिफोर दिस कमीशन, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 6,000 इन ईच केस। इसके कमीशन के लिए बोला है कि हर डिपार्टमेंट के प्रॉफिट का 10%, लेकिन मैनेजर का कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट का 10% होना चाहिए, और अगर वो 6,000 से कम है तो आपको मिनिमम 6,000 ही लेना होगा। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स हमें लोडेड प्राइस में गिवन है। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को 10% अबव कॉस्ट देगा, डिपार्टमेंट ए डी को 20% अबव कॉस्ट, सी बी और डी को 20% अबव कॉस्ट दे रहा है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, द फर्म हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड क्लोज द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। फर्म ने पहले ही बना लिया है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और उसने डिस्कवर किया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट्स का, उसमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स के भी स्टॉक है, और जो कि लोडेड प्राइस पे इसने कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का प्रोविजन नहीं बनाया। साथ ही एक टेबल गिवन है जिसमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर चार्जिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। डिपार्टमेंट ए का 38,000 का लॉस है, बी का 50,400 का प्रॉफिट, सी का 72,000 का प्रॉफिट, डी का 108,000 का प्रॉफिट। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स इंक्लूड्स लोडेड प्राइस इन द डिपार्टमेंट स्टॉक्स। नाउ अब बी के स्टॉक में ए का और सी का स्टॉक है, ए का है 22,000 का और सी का है 48,000 का। डी के स्टॉक में ए का है 1200 का और सी का है 3600 का, टोटल हो गया 4800 का। नाउ वी विल रिकम्प्यूट द प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस, रिपोर्टेड प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर प्रोवाइडिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने एज इट इज क्वेश्चन से लिख दिया है। आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन गिवन है ये यहाँ पर, पहले हमने जो मैनेजर का कमीशन लेस किया है उसको हमने ऐड करना है, तो उसका कैलकुलेशन देख लीजिए। मैनेजर्स कमीशन अर्लियर चार्ज्ड डिपार्टमेंट ए और बी का। लुक स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ए में लॉस गिवन है तो इसलिए हम उसमें मिनिमम चार्ज करेंगे 6,000 का। नाउ 50,400 ये है बी डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब ऊपर जो प्रॉफिट गिवन है वो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन गिवन है, 10 अगर मैनेजर का कमीशन है और 100 प्रॉफिट में से आपने 10 लेस कर दिया तो ऊपर वाला प्रॉफिट आ गया आपको 90 आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। तो 90 अगर प्रॉफिट है तो 10 मैनेजर का कमीशन है, 50,400 तो इसको कैलकुलेट करेंगे 10 divided by 90 into 50,400। 5600 मैनेजर का कमीशन आ रहा है लेकिन मिनिमम इसमें दिया हुआ है 6,000, तो ए और बी के लिए आप 6,000 ही चार्ज करने वाले हैं। नॉट डिपार्टमेंट सी के लिए इन दोनों का आपने प्रॉफिट लिख दिया, रिपोर्टेड प्रॉफिट
10 डिवाइडेड बाय 90 और ये कैलकुलेट किया 8000 और 12000, जिसको कि हम ऊपर लिखने वाले हैं। मेजर का कमीशन जो पहले इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया था 6000, 8000 एंड 12000, अब उसको आप ऐड कर देंगे। इसमें ये ऐड हो जाएगा 32000, 56000, 480000, 120000। नाउ कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स को भी देखिए। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसमें हमारा फॉर्मूला है रिवर डिपार्टमेंट प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक ऑफ रिसीवर डिपार्टमेंट, जिसमें कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, अब ए डिपार्टमेंट ने बी को और डी को 10% और 20% पे किया है, तो यहाँ आ गया 10 और 20। ठीक है, और ये वैल्यू ए ने बी को दिया है 22000 एंड 1200 आपको टेबल में गिवन है। नाउ अब आपको बोला गया है कि 10% अबव कॉस्ट, 20% अबव कॉस्ट, दैट मीन्स ये कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। यहां पर अगर सेल्स पे होता है तो डायरेक्ट 10% ले लेते हैं आप, डायरेक्ट 20%, लेकिन ये कॉस्ट पर है तो कॉस्ट पे हमने लिया रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 110, 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, क्लियर है? ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2200। सी का भी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट से ये आ गया, क्लियर? अब आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इससे पहले, उसमें आपने देखा कि हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे आपको उनके क्लैरिफिकेशन से आप बच जाते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट से इसको चार्ज करें, ए से, बी से, सी से या डी से। लेकिन यहाँ आपको अलग अलग चार्ज करना है, तो इसके लिए आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि आप कौन से अकाउंट, कौन से डिपार्टमेंट से इसको ट्रांसफर करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हो रहा है वो ही रिजर्व बनाएगा। तो प्रॉफिट होता है गिवर डिपार्टमेंट को, जिसने कि गुड्स भेजे हैं, सेल किए हैं, तो गिवर डिपार्टमेंट है आपका ए, क्योंकि ये इसके लिए सेल्स है। रिसीवर डिपार्टमेंट के लिए वो परचेजेस है, वो उसके स्टॉक में रखी हुई है, उसके लिए वो प्रॉफिट नहीं है, तो आप उसके अकाउंट से चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ ये चार्ज होगा ए डिपार्टमेंट से और इधर होगा सी से, क्योंकि ये दोनों के लिए सेल्स है और ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसलिए क्लियर। इसका टोटल आ गया 2200, इसका आ गया 8600। देखेंगे लेस प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स 2200 ए डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये इसके लिए सेल्स है, इसका प्रॉफिट है, तो ये ही इसके लिए प्रोविजन बनाएगा। सी 8600 से, इसके लिए ये सेल्स है, इसलिए ये ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है और यही रिजर्व बनाएगा। तो इसमें से आपने लेस कर दिया इसको, तो ये आ गया आपका करेक्ट प्रॉफिट बिफोर मैनेजरियल कमीशन। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि बिफोर मैनेजरियल कमीशन के जो प्रॉफिट है उसका 10% मैनेजर का कमीशन है, तो मैनेजर का कमीशन इस प्रॉफिट का 10% है। इसका अगर आप 10% निकालते हैं तो लॉस है, इसका 10% भी कम है, तो मिनिमम क्राइटेरिया 6000 आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे 6000 लिख दिया मैनेजर कमीशन का। नेक्स्ट इसका
10% 7140 और ये 12,000, ये 6,000 से ऊपर है इसलिए डायरेक्ट इनका 10% ले लिया। अब मैनेजर का कमीशन आपने लेस कर दिया तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है यहाँ पे 40,200 का लॉस है डिपार्टमेंट ए का। डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट है 50,400, सी का है 64,260, 1,08,000 डिपार्टमेंट डी का।